आप लोग देख रहे हैं कि यूपी के औरैया से डेढ़ महीना पहले गायब हुई खुशी नाम की युवती अब बरामद हो गई है। उनके पिता यहां पर हैं रामलाल जी, सिपाही लाल जी। सिपाही लाल जी को यहां सुजू तालुकदार जी हैं जो यहां पर एनजीओ चलाते हैं और इनके यहां बहुत बुजुर्ग लोग रहते हैं। इन्हीं के आश्रम में बिनागुड़ी आउटपोस्ट पुलिस द्वारा इस युवती को सौंपा गया था। पुलिस ने स्टेशन से इनको रिकवरी किया था। डेढ़ महीने बाद ये अपने पिताजी से मिले हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि यूपी पुलिस की महिला जवान भी है जिन्होंने यहाँ पर पहुँच के इन लोगों को लेने के लिए आए हैं। यूपी पुलिस में एफआईआर दर्ज हुआ था मिसिंग का, गुम होने का, और आज यहाँ बिनागुड़ी आउटपोस्ट से इन्हें रिकवरी कर लिया गया है। जो डेढ़ महीने तक समाज सेवी सुजू तालुकदार जी के आश्रम में, उनके अनाथ आश्रम में ये रहती थी, उनका बहुत बढ़िया से देखभाल हुआ और ये काफ़ी अभी स्वस्थ भी नज़र आ रही है, खुश नज़र आ रही है। और उनके पिता हैं आप औरैया यूपी से जी, तो अभी आपको कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है सर, बहुत खुशी हो रहा है। आप लोगों ने मान दिया सर, तो देखिए पिता को कितनी खुशी है इसका अनुभव आप कर सकते हैं। डेढ़ महीने बाद एक जवान लड़की बरामद हुआ और सही सलामत मिला इन्हें, और इन्हें काफ़ी खुशी है। बंगाल पुलिस का भी ये धन्यवाद कर रहे हैं और यूपी पुलिस का भी धन्यवाद कर रहे हैं। और सुजू तालुकदार जी जिनके आप जिनके अनाथ आश्रम में ये युवती रही, वो सुजू तालुकदार जी काफ़ी सराहना के योग्य व्यक्ति हैं ही, और उनको भी ये धन्यवाद कर रहे हैं। तो देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज़, YouTube, Facebook पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। मैं रमन कुमार झा, एनआई द्वास न्यूज़ के लिए बिनागुड़ी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से लापता हुई लड़की, नाम बताइए, बिनागुड़ी पुलिस आउटपोस्ट के ओसी अमिया वर्मन द्वारा डेढ़ महीने पहले बिनागुड़ी रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया था। उन्होंने इस युवती को बरामद कर साजू तालुकदार डिमडिमा में हेवन शेल्टर होम चलाते हैं और वहां पर वो बुजुर्ग और अनाथ लोगों का सेवा करते हैं और वहां पर उनका बहुत ही अच्छा देखभाल किया जाता है। वहां पे बिनागुड़ी आउटपोस्ट के ओसी ने वहां दे दिया। आज डेढ़ महीने बाद यूपी से उनके पिता और यूपी पुलिस आकर इस युवती का रिकवरी किया और इसे लेकर यहाँ के पुलिस सहित सभी लोगों में काफ़ी खुशी नज़र आई। और यह बता दें कि आमिया बर्मन द्वारा यह कार्य काफ़ी सराहनीय है। वहीं सुजू तालुकदार जिन्होंने इस युवती को अपने यहाँ शरण दिया, उनका जितना भी तारीफ किया जाए वह कम है। यह बता दें कि यह डेढ़ महीने तक इनका अच्छा ट्रीटमेंट करने के बाद में ये लड़की अभी काफ़ी स्वस्थ है। क्या नाम? और यह बता दें कि जब ये मिली थी उस समय इसकी काफ़ी स्थिति खराब थी, घायल थी यह लड़की, उसका इलाज भी करवाया और आज ये अपने घर को यहाँ से रवाना हुई है। तो देखिए आगे किसने क्या कहा। देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहिए। कैसे निकला था घर से? इतना कुछ आया अभी ठीक हो तो हाँ छोड़ दीजिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम खुशी है। तो आप कैसे घर से गायब हो गए थे? ऐसे सुबह सुबह निकल आए, ट्रेन में बैठ गए थे। ट्रेन में बैठ गए थे तो यहाँ पर आपको कहाँ पर उतरे थे? यहाँ पे स्टेशन पे, बिनागुड़ी स्टेशन पे। तो आपको कौन पुलिस वाले ने आपको फिर इनके यहाँ दिया?
तो अभी कैसा लग रहा है आपको पापा से मिल के? अच्छा। अभी ठीक है आप? हाँ, ठीक है। क्या नाम है? खुशी। क्या नाम है आपका? सिपाही लाल। अच्छा सिपाही लाल जी, आपकी लड़की कब यूपी से कहाँ से गायब हुई थी? ये औरैया जिले से गायब हुई है। औरैया जिला यूपी। तो आप लोगों को कब कैसे पता चला कि बेटी गायब हो गई? चैनल से हमको सब पता चला, अनाथ आश्रम से। अनाथ आश्रम में यहाँ है। तो अभी आपकी बेटी मिल गई है? जी हाँ। तो यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे बंगाल पुलिस को? बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे सर। बंगाल पुलिस ने इनको रिकवरी करके सुजू तालुकदार जी के एनजीओ में दिए थे। जी सर। तो कितने दिन बेटी आपकी थी यहाँ पर? यहाँ पर करीब हो गया डेढ़ महीना, ऊपर हो गया सर। डेढ़ महीना थी। तो कोई दिक्कत आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी बेटी आपकी मिल गई, कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं सर। और बेला की भी हमारे प्रसंग पुलिस आई हुई, हम बहुत खुश हैं सर। यूपी पुलिस भी आई है? पुलिस भी संग में है सर। क्या नाम है आपका? सिपाही लाल। आपको ये युवती कैसे मिली, थोड़ा जोर से बोलिए। मुझे यहाँ के बिनागुड़ी आउटपोस्ट के ओसी साहब ने मुझे फ़ोन किया। बिनागुड़ी स्टेशन में पड़ी हुई थी। हाँ। तो बहुत ही उस टाइम उसका शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति ठीक नहीं था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला और मेरा वहाँ पहुँचा के आए। पहुँचा के जाने के बाद में इनका इलाज चला, पूरा कटा हुआ था, उसका इलाज चला। लेकिन मुझे लगा कि मानसिक स्थिति इनका ठीक नहीं है। तो मैं साइकिलिस्ट से बात किया, मेरा वहाँ जो साइकिलिस्ट आते हैं वो दवा दिए। दवा देने का 10-15 दिन बाद में इसका याददाश्त वापस आया। फिर ये मुझे बताया कि मेरा घर औरैया है, उत्तर प्रदेश। तो फिर मैं इनसे कांटेक्ट करने का चेष्टा किया, फिर जो कांटेक्ट हो गया। होने के बाद आज उनके पापा आए हैं और यूपी पुलिस भी साथ में आए हैं इनको लेने के लिए। मैं तो सबसे पहले बिनागुड़ी आउटपोस्ट ओसी उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो अगर उस दिन रेस्क्यू नहीं करते तो ये लड़की के साथ कुछ भी हो सकता था। और यूपी पुलिस को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन लोग 1250 किलोमीटर दूर से बच्ची को लेने हमारे यहाँ बिनागुड़ी एथलवाड़ी डिमनीमा में आए हैं लेने के लिए। ये सही में उन लोग को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है यूपी पुलिस को कि उन लोग बहुत क्विक एक्शन लिया और लेने आए। आपके संस्था का क्या नाम है और आपका? संस्था का हेवन शेल्टर होम परिवार। मैं साजू तालुकदार, उनके संस्था डिमडीमा।